मैं नहीं बोला था कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करूंगी, तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता चल ही गया होगा मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। तो नया साल है, वैसे हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, नया साल है, नया रिजोल्यूशन भी। तो मेरा रिजोल्यूशन ये है कि मैं डेली 45 मिनट वर्कआउट करूंगी और आपको अपडेट्स भी देती रहूंगी। और दूसरा ये है कि मैं इसका भी ध्यान रखूंगी कि वर्कआउट मिस ना हो जाए। तो ये ब्लॉग उसी रिजोल्यूशन के स्टार्ट के बारे में है। आज मेरा 2022 का फर्स्ट डे है जिम का। मैं बहुत महीनों से वर्कआउट नहीं कर रही थी क्योंकि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो मैंने इन कोशिश से सोचा कि हम जाएंगे रोज सुबह वर्कआउट करने, जिसके रोज व्लॉग्स आते रहेंगे, क्योंकि एक यही टाइम है जिसमें हम दोनों अपना 100% देके वर्कआउट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम पहले शाम को वर्कआउट कर रहे थे तो इतने टायरिंग डे के बाद बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था वर्कआउट करना। चल अभी, नहीं तो तेरा मूड चेंज हो जाएगा। अबे सुनना, असली वाला कर। असली वाला करना। हमारा वर्कआउट हो चुका है। इसने मेरी बहुत कम वीडियोस बनाया है, इसलिए बहुत ज़्यादा ही मैंने कम शॉट्स डाले हैं। तो अभी मुझे आपसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो अभी चलते हैं घर और फिर कुछ खाते हैं एंड देन
वी विल टॉक। तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ और मैं अभी बना रही हूँ पोस्ट वर्कआउट मील जो कि है 2 eggs विथ लॉट्स ऑफ वेजीज और स्वीट कॉर्न, ताकि मेरा कार्ब्स का इंटेक भी हो जाए। एज अ ब्रेकफास्ट मैं पोस्ट वर्कआउट मील लेती हूँ ब्रोकली, स्प्रिंग ओनियन, ओनियन एंड कोरिएंडर। इन सभी को मैं मिक्स करूँगी एग में। तो मैंने तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से चॉप कर लिया है। अभी मैं इसे स्टेयर फ्राई करूँगी और मैंने साइड में स्वीट कॉर्न भी चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए। थोड़ा सा स्वीट कॉर्न मैं ऑमलेट में भी मिक्स करके डालूंगी। अगर आप बहुत टाइम बाद वर्कआउट कर रहे हैं तो मेरी तरफ से आप लोग के लिए टिप है कि एक ऐसा वेट चूज करें जिसमें आप 10-15 रेप इजिली कर पाए, और ऐसा ना हो कि आप फेलियर तक के चले जा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके इंटेंसिटी बढ़ाएं। इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ रेस। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ ये जर्नी शेयर करके। मे बी आप लोगों को भी कुछ सीखने मिले इससे। तो इट्स गुड टू गेट बैक।